देखो कहावत ऐसी थी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। मार्केट में क्या है ना, कुत्ते तो नहीं शेर चलते हैं। तो इधर ऐसा हो रहा है कि शेर चले बाजार और हाथी भौंके हजार, वो है चिकन वर्क वाले कुर्ते। अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। मार्केट में सर अभी से नहीं, काफी समय से ट्रेंडिंग चल रहे थे। आप जो मार्केट से ले रहे हो ना 500, 520, 580, ठीक है, अस्तर वाले अच्छे कपड़े पे अच्छा वर्क किया हुआ, मैं आपको LMD में प्रोवाइड कर दूंगा 450 रुपीज में, 450 रुपए में, सिर्फ 450 रुपए में। कितना सर ये चीज 450, 500 बेच रही है। अभी कोई बेवकूफ नहीं है, कोई भी गधा नहीं है ऐसा जो ग्राउंड फ्लोर पे जाए किसी शॉप में यही चीज है इसी कपड़े को 550 में खरीद के ले आए। ये 550 में बिक रहा है, बिक रही है सर। और क्या करके, इधर एक छोटा सा ब्रॉच लगा के, इधर एक छोटा ब्रॉच लगा दिया, 6 रुपए बढ़ा के तुम 200 रुपए मार्जिन रख रहे हो यार। अरे तोबा तोबा सर, ये चीजें मेरे से तो नहीं हो पाएगी सर। अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री में एक दो पैकेट आपके ना बंडल से ना डाल दूंगा। कोई पैसे नहीं जी, कोई पैसे नहीं, फ्री है सर। ब्रॉच के मैं ब्रॉच लगा के यार आपसे कोई 100 रुपए ज्यादा लूंगा सर, मुझे शर्म आ जाती है यार। मेरे पास 3,500 सैंपल्स हैं क्योंकि सर मैं उनको संभाल सकता हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उतना स्टॉक रख सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास 40-50 सैंपल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बाकी सारे इधर उधर से घूम फिर के सैंपल ले आ रहे हैं। सर अभी भी मेरी शॉप पे ज़रूर आइए, 309, 310, 311, कम से कम ना सर 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एक पूरा है ना बड़ा गोडाउन है। और मेरा एक है ना खाली सैंपल ऑफिस है ना, आपके जैसे छोटे छोटे ना 4 ऑफिस आ जाते हैं सर उसमें। तो सर ऐसा वैसा नहीं है कि पहले एक धंधा कर लिया उसमें फेल हो जाओ, उसके बाद मास्क बेच लिया, उसके बाद सैनिटाइजर्स बेच लिए, उसके बाद शर्ट में घुस जाओ, फिर शर्ट में भी तुम्हारा काम नहीं होता है, फिर तुम एक मार्केट से दूसरी मार्केट में आओ, फिर उस मार्केट में घुस के तुमको पता चलता है हाँ लक्ष्मण भाई का धंधा चल रहा है। कैसे चल रहा है, लक्ष्मण भाई वीडियोस बनाते हैं, चलो हम भी वीडियोस बनाते हैं, फिर भी तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा। यार अभी भी मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं, लक्ष्मण भाई की 10 बुराइयां कर देता हूं। उससे क्या होगा कि किसी भी फेमस पर्सनालिटी को हम है ना थोड़ा उसके बारे में कुछ बोलेंगे, वो हमारे बारे में कुछ बोल देगा और हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो लोगों का फोकस हमारी तरफ जाएगा, बे लोग पागल समझेंगे, मार्केट से आउट कर देंगे तुमको, लूटना बंद कर दो लोगों को, अच्छे खासे 20-30 रुपए नफे रखो, आराम से कमाओ। हमारी तरह अगर टिकना है तो मेरे पास आओ, एक घंटा बैठो, मेरे से चीजें सीखो, स्टिचिंग कैसे करी जाती हो सीखो, कारीगरी जो तुम 80 रुपए दे रहे हो ना वो स्टिचिंग के जो तुम 450 में बेच रहे हो, बैक छोड़ो यार। वो एक और कहावत याद आती है मुझे, अधजल गगरी छलकत जाए, समझ रहे, आधी बुद्धि होना आधा नॉलेज होना आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। एक बार मार्केट से अगर मेरी चीज़ें पता कर रहे हो तो शायद वो समझ लेना कि वो चीज़ें आप तक पहुंचाई ही मैंने है, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी हैं। महंगा कपड़ा खरीदो, उधार पे खरीदो, जॉब ज़्यादा दो, कस्टमर का काटो, यही 4 चीज़ें हैं। ये थियरी पे काम हो रहा है। पांचवी ये लक्ष्मण भाई के बारे में बुरा बुरा बोल दो तो लक्ष्मण भाई कुछ ना कुछ हमारे लिए बोल देंगे और हम ऊपर आ जाए। भाई ऊपर नहीं आ पाओ, काफी चीजें ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चर तुम यहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि हो गई हुडीज, तो हुडीज अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, तो हुडीज हमको बाय डिफॉल्ट जहाँ बनती है लुधियाना में वहीं से मंगवानी पड़ती। अब दूसरी चीज बता दो, वही चीज अगर आप लुधियाना से भी लोगे तब भी वही रेट मिलेगा और वही चीज अगर मुझसे भी लोगे तब भी वही रेट मिलेगा जो वहां 340 में, मैं वो चीज 350 में दे रहा हूं, ठीक है 10 रुपए का भी डिफरेंस है फिर भी आपको वो सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत बचता है, माल जल्दी पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट कम लगता है, मेरे पास डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स बहुत मिल जाते हैं। बस फिर से बताऊं, 159 नहीं बेच रहा हूं, 117 में बेच रहा हूं, इसीलिए कलर और साइज कंपलसरी रख रहा हूँ। अगर आपको उसमें भी कलर और साइज ऑप्शन चाहिए मुझे 160 दे के जाओ, मैं दे दूंगा। ही मार्केट में कम से कम 400 दुकान ऐसी होगी जो प्रीमियम रेंज बनाती है, तो सिर्फ वीडियो देख के एक जगह घुस जाओ और वहाँ इतना सब ब्रॉच देख के 6-7 रुपए का, और वहाँ से आप 30-40 पीस ही ले रहे हो, पर वो भी क्यों ले रहे हो? आप खुद ओनर होकर डिस्पैच कर रहे हो तो आप, मेरे को नहीं लगता आप कभी ऐसा चाहोगे गलत माल जाए। ही नहीं दूंगा सर, अगर लड़का कर भी रहा होगा तो वो तक नहीं करने दूंगा मैं। कभी ऐसा हो जाए इन केस तो मैं आपको कॉल कर लूंगा,
हमारी टीम से कॉल आएगा, कॉल पे आपको नई चीजें दिखाई जाएगी, अगर समझ आता है नया चीज तो वो डालेंगे, अगर नहीं तो पैसे रिफंड आएंगे। सिर्फ 117 रुपए की चीज है ये, 117 वाला माल है। 200 प्लस आपको कहाँ दिखेगा? देखो जो है ना, लोग क्लेम करते हैं ना सर मार्केट के अंदर घुसिए, राइट साइड में जी हमारी शॉप दिख जाएगी, वहां मिलेगा ये सब 200 प्लस 170 160 150, मेरे पास 117 है। ये 117 वाला माल आपको ना सर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाना है, थोड़ा कष्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ 145 नंबर पे, आपको 60 रुपए का डिफरेंस दे दूंगा सीधा। मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे 60 रुपए का डिफरेंस। आप ना एक सेट वहां से लेके आओ, 100 सेट मेरे पास से लो, नाप लो, एक इंच का भी फर्क दिखे मेरे 100 सेट फेंक के चले जाओ, फ्री में ले जाओ। ओके, फर्मा इतना प्रॉपर है, एक भी जगह स्टिचिंग में भी डिफेक्ट दिखे, एक भी जगह फर्मे में भी डिफेक्ट दिखे, कहीं पे भी आईडी से लेके बटन से लेके कॉलर से लेके कफ तक लेके कपड़े तक लेके उसके वॉशिंग तक, अगर 19-20 भी लगाना सर 160 में और 117 में, फ्री में माल दूंगा, पूरा फ्री में सर। अच्छा, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मुनीर व्लॉग। सो दोस्तों, आज का वीडियो आ रहा है अहमदाबाद के एलएमडी फैशन से। शायद ये कोई ऐसा व्यूअर है, ऐसा कोई कस्टमर है जो एलएमडी को नहीं जानता है जी। सर आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट एक आपका मोनोलॉग है वो अपने व्यूअर्स को बता दीजिए। बोलूंगा सर, वो तो जरूर बोलूंगा, उसके पीछे थोड़ी बहुत चीजें और भी कुछ ऐड करूंगा, पर स्टार्ट करते सर इंट्रोडक्शन से। तो हेलो, नमस्ते, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है साईं, दिस इज लक्ष्मण मूलचंदानी फ्रॉम एलएमडी फैशन, बैठता कहूं फर्स्ट फ्लोर कर्णावती प्लेटिनम K9 में, घी कांटा रोड, अहमदाबाद। मुनीर भाई, एक है ना कहावत है जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, छोटों को ना मोटिवेट करने के लिए कहा करते थे, पर आजकल ना लोगों ने कहावतों को ना मोड़ तोड़ रख दिया है। देखो, कहावत ऐसी थी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, ठीक है। अब ये चीजें तो लोग ना किसी को मोटिवेट करने रखते थे कि भाई तुम चल रहे हो, कोई पीछे से तुम पे भौंक रहे कुत्ते ये वो, पर सर मार्केट के सीन्स ना कुछ अलग है। मार्केट में क्या है ना, कुत्ते तो नहीं शेर जलते हैं, और शेर बहुत सारे नहीं, शेर एक होता है, वो एलएमडी है। हाँ, वो तो सर अब क्या है वो व्यूवर्स को पता है क्या है। तो इधर ऐसा हो रहा है कि शेर चले बाजार और हाथी भौंके हजार, ये तो सर भौंकना छोड़ दिए, कुत्ते तो चलो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, हाथी भौंक रहे पता नहीं क्यों, रीजन पता नहीं। खैर, ये छोटी छोटी बातें सर वीडियो में करते रहेंगे, पर मेन जो आज का सर जो वीडियो बनाने का रीजन है वो है चिकन वर्क वाले कुर्ते। अभी मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। मार्केट में सर अभी से नहीं, काफी समय से ट्रेंडिंग चल रहे थे और ट्रेंडिंग चल रहे हैं भी, और आगे भी मेरे ख्याल से शादी वगैरह की सीजन्स हैं, और सर ईद भी तो सर पे है। यस। तो ये चीजें ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत चली थी, बहुत चल रही है और आगे भी बहुत चलेगी। अच्छा। तो हमने ना सर, आपको पता है देखो, जहां जहां लूटपाट दिखती है वहां वहां एलएमडी खड़ा हो जाता है। Exactly. कोई भी चीज हो, अब ये कुर्ते आप जो मार्केट से ले रहे हो ना 500, 520, 580, ठीक है, अस्तर वाले अच्छे कपड़े पे अच्छा वर्क किया हुआ, मैं आपको एलएमडी में प्रोवाइड कर दूंगा 450 रुपीज में, 450 रुपए में, सिर्फ 450 रुपए में। उसके ऊपर नीचे के पजामाज आपको चाहिए, अगर छोटी क्वांटिटी है तो 150 रुपीस का है, व्हाइट कलर का पजामा आता है, इलास्टिक के साथ आता है, अगर उसमें भी क्वांटिटी रही तो 120 रुपए में मैं आपको पजामा प्रोवाइड करा दूंगा, और होलसेल वालों के लिए इसके रेट्स और भी अलग लग जाएंगे। ओके सर, ज्यादातर ये माल में ना शॉर्टेज है अभी मार्केट में, अपने पास कितना रेडी स्टॉक मिल जाएगा? सर देखो, शॉर्टेज अगर मार्केट में है मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तो स्लो हो रहा है तो मेरे पास भी इतनी ज्यादा नहीं, पर 20-25 हजार पीस आपको हर महीने प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी। इसमें 25,000 पीस का स्टॉक आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब इतना कटिंग है, क्या बात मतलब है? मतलब सर कटिंग तो उससे भी ज्यादा है, पर मैं ये बात कर रहा हूँ जितना हम बना पा रहे हाल फिलहाल, इन केस आगे आगे बढ़ते चले गए, मशीन्स बढ़ती गई, कारीगर बढ़ते गए, तो सर 2 लाख पीस भी दे देंगे। ओके, कुर्ते में बड़ी बात जी सर, आगे बढ़ेंगे, छोटी सी प्यारी सी चीज पीसी लापर, मुनीर भाई एक बार टच करेंगे इस आर्टिकल को। ओके। आपको पता चलेगा क्या चीज है, क्या फिनिशिंग है, क्या फर्मा है। ये अपन ने सर मीडियम रेंज चालू कर दी, 200 प्लस मीडियम रेंज सर, 200 प्लस तो दिख रहा है ना, सिर्फ 117 रुपए की चीज है ये, 117 वाला माल। 200 प्लस आपको कहाँ दिखेगा? देखो जो है ना, लोग क्लेम करते हैं ना सर मार्केट के अंदर घुसिए, राइट साइड में जी हमारी शॉप दिख जाएगी, वहां मिलेगा ये सब 200 प्लस 170 160 150, मेरे पास 117 है।
ये 117 वाला माल है। आपको ना सर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाना है, थोड़ा कष्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, 145 नंबर पे आपको 60 रुपए का डिफरेंस दे दूंगा सीधा। मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे 60 रुपए का डिफरेंस। आप देखो, आपको आपको सोचना है, देखो व्यूवर्स हो, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस आपके पास है। छोटे मोटे नए नए जो जो खिलाड़ी मार्केट में आ रहे हैं, उधार पे काम, ये वो फलान, सर कैश का काम है, कैश पे परचेस है, खुद की दुकानें हैं, वेरेंट है, जीरो है, जो है सैलरी है, मेरा 13 का स्टाफ है, इतनी मेरी सैलरी है, कम से कम जो भी 2.25 लाख है वो मेरा वेरेंटेज, भाड़े वाड़े सर भरने को जाते नहीं, मतलब मैं 5 रुपए पे भी धंधा कर सकता हूँ। ओके, ये बहुत जबरदस्त पीस लग रहा है, ये क्या रेट में दे रहा है? वही चीज है, ये भी वही 117 वाली चीज है। मैं बता ये एक मिनट, ये 117 जो नीचे प्रिंट दिखाई, ये भी 117 है सर। क्या बात है सर, ये देखिए, और ये चीज है ना सर 159 में क्लेम करने वाले जो इनके पास होलसेलर आते हैं उनको देते हैं 169 का 145। वो बोलते हैं सर हमारा फर्मा बड़ा, लो नाप लो, ये फर्मा अपन प्रॉपर। हाँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक सेट वहां से लेके आओ, 100 सेट मेरे पास से लो, नाप लो, 1 इंच का भी फर्क दिखे, मेरे 100 सेट फेंक के चले जाओ, फ्री में ले जाओ। ओके, फर्मा इतना प्रॉपर है, एक भी जगह स्टिचिंग में भी डिफेक्ट दिखे, एक भी जगह फर्मे में भी डिफेक्ट दिखे, कहीं पे भी आईडी से लेके बटन से लेके कॉलर से लेके कफ तक लेके कपड़े तक लेके उसके वॉशिंग तक अगर 19-20 भी लगाना सर 160 में और 117 में, फ्री में माल दूंगा, पूरा फ्री में सर। अच्छा, आपने सर 2 दिन पहले मिले थे तब आपने वो शर्ट बता रहे कि 117 वाला आपने खुद ने भी पहना था। हाँ सर, वो फर्मा कौन सा था? वो सर मैंने एक्सेल साइज पहन रखा था। खैर अगर सच में देखा जाए तो मेरा साइज ना डबल एक्सेल है, ये आप देख सकते हैं सर, बैक वगैरह शोल्डर्स वगैरह से आपको मैं दिखा दूं, मैं डबल एक्सेल पहनता हूं, पर उसमें मैंने एक्सेल पहना हुआ था सर, मैंने एक्सेल पहना हुआ था। अभी देखो एक्सेल पहना है, मुझे हो रहा है, मेरी विड्थ बहुत ज्यादा है, फिर भी पहन रहा हूँ, मतलब सर मेरे फर्मे में कुछ तो बात है। मतलब 117 में भी प्रॉपर फर्मा जो अपन खुद पहन सकते हैं। 117 रेट्स है, थोड़ी बहुत कंडीशंस रहती है, हम होलसेलर्स को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं तो 300, 600, 900 पीस लेने कंपलसरी है। 30 30 पीस 60 60 पीस मैं नहीं देता हूँ सर, ये मैं 30 पीस दे के 160 रुपए कर दूँ, 159 कर दूँ, उसमें थोड़ी बहुत हाइलाइट्स कर दूँ तो वो चीजें सर मुझे नहीं आती। ओके, मतलब ऐसी चीजें लूट, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है सर, मैं होलसेलर से काम करता हूँ, 300, 600, 900 पीस देता हूँ, पार्सल चार्ज भी उनसे अलग से 300 रुपए लेता हूँ, पर रेट में आपको 117 देता हूँ। 117 रुपीस सर, देखिए आगे बढ़ेंगे इसके तो डबल लाफर भी मेरे पास है सर, जो डबल लाफर है 145, 155, 165, अलग अलग चीजें हैं, जैसे डबल पॉकेट हो गया, बिग साइज हो गई, तो ये वैसी चीजें हैं। डबल लाफर में भी आपको होलसेलर्स की रेट जाननी हो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें सर, वीडियो में हर चीजें बताई नहीं जाती, एक बार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें, जरूर कॉन्टेक्ट करें, आपको हर चीज की डिटेल बकायदा अच्छे से बताई जाएगी। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो रिटेलर्स भी है वो भी ये वाला माल आपसे क्वांटिटी में ले रहे हैं, ले सकते हैं और लेते हैं, काफी सारे रिटेलर्स हैं जो आजकल YouTube, Instagram सब यूज कर रहे हैं और उनके आप रील्स देखेंगे ना सर, ऐसे लाइन लगी हुई है, पूरी शॉप भरी पड़ी है, उधर सर अपना ही माल है। अच्छा, मतलब वो लोग इतनी क्वांटिटी ले रहे तो उनको भी ये रेट, रिटेलर अगर जो क्वांटिटी लेगा तो उनको भी ये रेट जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुनीर भाई, ये देखिए एक बार, ये कॉर्ड वाली चीज है, एक बार फैब्रिक फील करेंगे, बटन्स देखेंगे, ठीक है, बटन्स टच बटन स्क्रीन है, पूरी पॉकेट पे आउट पॉकेट है, मार्केट ना सर ये चीज 450-500 बेच रही है, अभी कोई बेवकूफ नहीं है, कोई भी गधा नहीं है ऐसा जो ग्राउंड फ्लोर पे जाए किसी शॉप में यही चीज है, इसी कपड़े को 550 में खरीद के ले आए, ये 550 में बिक रहा है, बिक रही है सर, और क्या करके, इधर एक छोटा सा ब्रॉच लगा के, इधर एक छोटा ब्रॉच लगा दिया, 6 रुपए बढ़ा के तुम 200 रुपए मार्जिन रख रहे हो यार, अरे तौबा तौबा सर, ये चीज मेरे से तो नहीं हो पाएगी सर। तो ये अपने क्या रेट में दे रहे हैं सर? मैं 320 रुपए, ये 320 रुपए प्लस 6 रुपए का ब्रोच मार दो। ब्रोच तो सर मैं फ्री दे दूंगा, अगर आपको ब्रोच ही पसंद है, आपको लग रहा है कि पार्टी है, पार्टी वेयर है तो उसमें ब्रोच जरूरी, तो बता दूं सर घी कांटा पे बहुत सारी दुकान है जहां से आपको 30 पीस 50 पीस 60 पीस आपको ना अलग से ब्रोच 6-7 रुपए में मिल जाते हैं, चाइना में चीजें बनती है, यहां आती है, इधर सप्लाई होती है, काफी सारी जगहों पे मिल जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री में 1-2 पैकेट आपके ना बंडल से ना डाल दूंगा, कोई पैसे नहीं जी, कोई पैसे नहीं, फ्री है सर ब्रोच के, मैं ब्रोच लगा के यार आपसे कोई 100 रुपए ज्यादा लूंगा सर, मुझे शर्म आ जाती है यार, मतलब कैसे कर रहे हैं लोग धंधा, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये 320 रुपए मतलब शॉकिंग रेट्स पे आप माल दे रहे हो। कपड़ा देखो ना एक बार मुनीर भाई, कपड़ा फर्मा फिनिशिंग देखेंगे, इसके बटन्स देखो सर मैचिंग करे हुए यार, ये देखिए क्या बात है,
और मेन चीज बताऊ अनिल भाई, इन सब में ना एलएमडी का लेबल और एलएमडी का टैग आपको जरूर मिलेगा, 100% मैन्युफैक्चरिंग। जी सर, तो ये होता है एक 100% मैन्युफैक्चरिंग। देखिए अब क्या है ना, लोगों को मैं जो बता रहा था ना आपको कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, सुना है, नहीं दे रहा मेरे को ये तो ये सर सुनने वाली चीजें भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ जगहों पे ऐसी आग लगाती है ना कि लोग मार्केट से आउट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सर मार्केट में किसी को तो रहने दें, हर इंसान देखो बाहर चलता जाएगा, हम घूम फिर के अकेले रह जाएंगे सर, तो मुझे मजा नहीं आएगी। तो क्या है ना, वैसी चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सर। मेन चीज ना इसके आप जो भी पैटर्न्स है, हाँ। इसकी स्टिचिंग है, इसके पॉकेट है, और हाँ। जूट फैब्रिक पे सब फोकस करेंगे। और मेन चीज बता दो, ये भी 320 रुपए है, ये भी 320 रुपए में जूट दे रहे हो, क्या बात है। और ये सब हैवी चीज है सर, 135 140 150 रुपए मीटर वाला कपड़ा है। अच्छा सर, एक डिफरेंट क्वेश्चन आपसे, ये समझो कि किसी को ऑर्डर करना है आपसे, तो वो आपके नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन भी मंगाते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी टीम बड़ी है, तो उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जवाब देने में। वैसे तो नहीं आती, देखो सर इनकेस कहीं 100 में से 1% कहीं दिक्कत आई, पर्सनल नंबर डाल दो मुनीत भाई मेरा यूट्यूब पे, कहीं भी दिक्कत आए ना मेरे को पर्सनली कॉल करो, फोटो डालो, एक घंटे के अंदर उसका रिजोल्यूशन ना करके दिया ना, मेरे से माल लेना बंद कर देना। ओके, मतलब इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी हर एक इंसान को प्रॉपर टाइम पे जवाब मिलता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मेरा ना सर 13 का स्टाफ है, अकाउंटेंट्स दो, मतलब 15 लोग हम सारे लगे रहते हैं इन चीजों में, तो मैं ज्यादातर फ्री होता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे को खाली एक दो ही काम होता है, डिस्पैच वगैरह संभालना होता है। तो मैं ना सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को, कैसे, क्योंकि देखो सबसे पहले मेरे को तो कॉल्स आते नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर कहीं डला नहीं हुआ है, डाल देंगे नीचे, पर मुझे कॉल तब करना है जब आपको फ्रेंचाइजी रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, या कोई माल में डैमेज डिफेक्ट कुछ हो तब कॉल करना हो, या कोई पीस आपको शॉर्ट आए हो तब मेरे से आपको कांटेक्ट करना है। बकायदा आपको एक घंटे के अंदर जवाब दूंगा, सारी चीजें प्रॉपर बताऊंगा, आपका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। मतलब आप खुद ओनर हो के पूरा डिस्पैच पे ध्यान दे रहे हो अभी सर। मतलब पूरा प्रॉपर आप देख रहे हो पूरा डिस्पैचिंग वर्क सर, 99% हो सकता है इन केस कभी मैं छुट्टी पे हूँ, या मैं कहीं गया हूँ घूमने गया हूँ, या काम से गया हूँ, या कोई मीटिंग में हूँ, तो 1% चांसेस है कुछ गड़बड़ हुई हो, पर वो गड़बड़ का सॉल्यूशन भी मैं ही करता हूँ। अगर समझो मेरा बिजनेस है कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हो उनको गलत सर्विस हो, नहीं चाहेगा सर। अगर आप खुद ओनर होकर डिस्पैच कर रहे हो, तो आप मेरे को नहीं लगता आप कभी ऐसा चाहोगे गलत माल जाए, ही नहीं दूंगा सर। अगर लड़का कर भी रहा होगा तो वो तक नहीं करने दूंगा मैं, मतलब लड़का चाहेगा ना कि भाई जल्दबाजी में कुछ भी डाल के मैं ये कर लूं वो कर लूं, तोड़ दूंगा सर उसको, तोड़ दूंगा, पर ये चीज करने नहीं दूंगा। ओके, ये देखो सर, पर मतलब डिस्पैचिंग भी प्रॉपर होगा, प्रॉपर होगा, सारी चीजें जो सिलेक्ट करोगे बकायदा उसके फोटोज खींचे जाएंगे, मेरे पास आएंगे, मैं वो चीज निकलवाऊंगा। अगर वो चीज खत्म हो जाती है, और ये भी होता है 10 में से 2 बार होता है कि कस्टमर्स नीचे जो बैठे होते हैं उन लोगों ने कुछ सिलेक्ट करा होता है, पर ऊपर डिस्पैच में जब वो आते हैं तब तक वो चीज खत्म। ओके, ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड ऑफलाइन ऑर्डर्स भी है, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी दिन के सर 100-150 रहते हैं, अब ऑफलाइन में भी 20 से 25 मेरे पास लोग आते रहते हैं, तो पॉसिबल होता है इतना जल्दी फास्ट, तो सर हम भी रोबोट नहीं है ना कि ऊपर से पता चल जाए नीचे स्टॉक खत्म हो गया, तो कभी ऐसा हो जाए इन केस तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, हमारी टीम से कॉल आएगा, कॉल पे आपको नई चीजें दिखाई जाएगी, अगर समझ आता है नया चीज तो वो डालेंगे, अगर नहीं तो पैसे रिफंड आएंगे। ये देखिए मुनीर भाई, मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने बेस्ट लगा कि खुद ही संभाल, जब तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं है सर। ये क्या रेट में दे रहे हो, थोड़ा प्रीमियम हुआ? ये थोड़ा प्रीमियम भी सर 320 में दे रहा हूं मैं। ओके, 320 में डबल पॉकेट विद स्क्रीनिंग हैवी बटन्स, और ये इंपोर्टेड पॉपकॉर्न है सर। ओके, ये देखिए, बाकी चलेंगे थोड़ा आगे ब्रशिंग की तरफ, ये हैवी चीज है सर। ओके देखिए सर, ये भी 350 के आसपास, 350-380 वाली रेंजेस, ये भी लोग बेच रहे 420-450, वही इधर ब्रॉच लगा के, और सामने बताते भी है यार लक्षण भाई हम तो है ना इतना सब ब्रॉच लगा लेते हैं और कस्टमर से 50 रुपए ज्यादा आ रहे, भाई नहीं करना है, वही तो नहीं करना है, मैं तुमको समझा के थक गया हूँ। देखो 7 साल से मार्केट में हूँ, अगर मैं इधर बैठा हूँ तो ऑनेस्टी की वजह से, सर्विस की वजह से, मैं कमाने तो बैठा हूँ नहीं, कमाना मेरे को कम है, मेरे को क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है, मुझे रिपीट कस्टमर चाहिए, इसीलिए मैं मार्केट में हूँ, ना कि मैं 100-150 रुपए पर पीस मुनाफा रख के लोगों को काट के उनसे प्रॉफिट कमा के और उनको तोड़ दूं, वो चीजें मुझे नहीं आती।
ठीक है, मैं चाहूं तो भी मुझसे नहीं होगी सर वो चीजें। ओके, तो ही आप ऑनलाइन के मार्केट में टिके हुए इतने टाइम से। अभी ही टिके हुए हैं और सर अभी अच्छी बात तो ये, हमने खुद की काफी सारी शॉप्स लेके भी रख दी है इधर। ओके, मतलब जो कॉस्ट में आप बिठा सकते हो शायद ही कोई मार्केट में बिठा पाएगा। पॉसिबल नहीं है सर, शायद मतलब देखो हो गए एक दो पर्सन होंगे मेरे जैसे भी, पर इधर नहीं है अपनी मार्केट में तो बिल्कुल नहीं। हो सकते खोखरा साइड हो सकते हैं, काफी जो बड़े बड़े लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 2-3 लाख पीस बेच रहे हैं। हाँ। अभी हम उनकी लेवल पे नहीं है, हम बेच रहे 80,000 पीस, लाख पीस। हमको भी कभी पहुंचना है सर एक्सपोर्ट लेवल पे, जाएंगे धीरे धीरे, हमेशा चलते जाएंगे। डीमार्ट में सप्लाई करेंगे, रिलायंस में सप्लाई करेंगे, ये चीजें भी सब होगी, वो सब धीरे धीरे होगा। खैर अभी तो अपने को क्वालिटी पे ध्यान देना है, रेट्स पे ध्यान देना है, और अपने यूट्यूब से थ्रू जो मेरे पास कस्टमर्स और व्यूवर्स आते हैं हाँ। वो कहीं भटकने ना जाए, वो मेन मुझे ध्यान देना है। ओके सर, अपने अभी आप बोला कि 7 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, भी आप ऑलमोस्ट 3-4 साल से हो ही, ज्यादा साल से आप काम कर ही रहे हो, अपने व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेशन करोगे, क्योंकि व्यूअर्स आपको काफी फॉलो करते हैं। देखो अभी व्यूअर्स में ज्यादातर ना सर, मैं सच बताऊं मुझे जो फॉलो करते हैं ना वो यूथ है। अब वो यूथ में ना सर कौन कौन आता है मैं समझा दूं, 12th कंप्लीट कर लिया या कॉलेज कंप्लीट कर लिया, जिनके पास थोड़ी बहुत रकम है 2-2.5 लाख रुपए, जो वीडियो देख के जिनमें थोड़ा ऐसा जोश आता है, मोटिवेशन आता है कि लक्ष्मण भाई आप जो चीज़ें कर रहे हो हमको समझ आ रही है और हमको लग रहा है हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उनके लिए खास सूचना, वीडियोस काफ़ी सारे बनते थे, काफ़ी सारे बनते हैं, काफ़ी सारे बनेंगे। ठीक है, यूट्यूबर्स देखो अपना काम कर रहे हैं, आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, वो रिकमेंड नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ का रिकमेंडेशन उनके थ्रू नहीं होता है। उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, नोट में, कोई भी लेन देन आपकी किसी भी व्यापारी से होगी तो वो आपके रिस्क पे होगी, आपका ही पूरा रिस्क होगा। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो अगर कोई भी आपके ऊपर ले ही नहीं रहा है जिम्मेदारी अपनी, तो एक बार ज़रूर आपको विजिट करना है शॉप पे। ओके और शॉप पे सिर्फ विजिट नहीं करना है, शॉप पे जब विजिट करके आपको कोई चीज़ दिखती है ना तो उसके जड़ तक जाना है। ठीक है, लो रेंज का तो ठीक है सर, मैं सबसे सस्ता हूँ तो मुझे पता है, तो वो तो आएगा जाएगा बिकेगा। बात आती है 300 से लेके 500 की रेंजेस में। ये अपनी ही मार्केट में कम 400 दुकान ऐसी होगी जो प्रीमियम रेंज बनाती है, तो सिर्फ वीडियो देख के एक जगह घुस जाओ और वहाँ इतना सब ब्रॉच देख के 6-7 रुपए का, और वहाँ से आप 30-40 पीस ही ले रहे हो, पर वो भी क्यों ले रहे हो? एक बार वही चीज़ कंपेयर करो ना मार्केट से, थोड़ा आगे बढ़ो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। इस रेट में आपको इम्पोर्टेड चाइना की चीज़ें मिल जा रही है सर, जो उनके पहले ही पड़ जाती है काफ़ी सारी शॉप्स, तो आप वहाँ से इम्पोर्टेड चीज़ें उठा लो ना सर, उसका डबल मुनाफा मिलेगा। अगर आप जो मैं समझो 350 में बेच रहा हूँ, ठीक है, पेस्टिंग वाला माल है, सिलाई आपको दिख नहीं रही, डाउन होल के बटन्स दे दिए, उसमें मैं आपको इधर ब्रॉच लगा के बोलूँ सर इसकी कीमत 450 रुपए, तो सर मैं पागल हूँ जो आपको पागल समझ रहा हूँ और आपको पागल बना रहा हूँ? और जो यूथ है उनको सर पता नहीं चलता है इतना, वो समझते नहीं है, उनको लगता है ये चीज़ थोड़ी यूनिक है, यूनिक है इसका मतलब महंगी है। सर महंगी नहीं है, 6 रुपए बढ़ रहे हैं। तो शॉप पे ज़रूर विजिट करो, चीज़ें देखो, कंपेयर ज़रूर करो। कंपेयर सिर्फ मेरी शॉप से आके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ आपको पसंद आए तो भी मेरी शॉप पे आओ वहाँ से, नहीं, मैं वो चीज़ें कम बनाता हूँ, मैं वो प्रीमियम रेंजेस ही कम बनाता हूँ, काफ़ी लिमिटेड बनाता हूँ। मेरे अलावा मार्केट में बहुत सारी दुकान है जहाँ आप जा सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। ब्रॉच वाली ही आइटम्स चाहिए तो 250-300 रुपये में भी अच्छी से अच्छी जगह आपको मिल जाती है। अगर नहीं पता, मेरी शॉप पे आओ, मुझसे पूछो, मैं खुद ले चलूँगा, वहाँ से परचेसिंग कराऊँगा। परचेस करो तो अच्छा करो, क्योंकि शॉप चलती ना सेल से नहीं है, शॉप चलती परचेस से है। अगर परचेस सही किया, सही रेट में किया, तो आपकी शॉप में सेलिंग भी डबल होगी और अच्छी होगी 100%। मतलब कौन ही व्यापारी ऐसा बोलेगा कि मैं दूसरे व्यापारी का सजेशन दूंगा? मैं दूंगा ना सर, मैं बता रहा हूँ। देखो अब मेरे पास से कस्टमर अगर आ रहा है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, अगर वो कस्टमर को वो चीज़ चाहिए तो मैं उसको वही सजेस्ट करूँगा जो सबसे ना बेस्ट होगा सर, बेस्ट में से बेस्ट होगा। क्योंकि हमको तो पता है ना सर, अभी मार्केट में बैठे सब अपने दोस्त आ रहे हैं, तो हमको पता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी और कितने में मिलेगी। खैर ये है सर कॉर्ड लाइक्रा, कॉर्ड लाइक्रा जी, यही चीज आपको वीडियो में शायद इधर है ना, ब्रॉच लगा के कॉलर्स दिखा के और 450-420 में बताई जा रही है। भाई बहुत सस्ती चीज है ये, तो ये क्या रेट में अपने दे रहे हैं? मैं सर वापस से 310-320 के आस पास। 310 रुपए जी, क्या बात कर रहे हो? वही चीज है, ये देख लो, कंपेयर कर लो, आ जाओ
फैब्रिक कंपेयर कर लो, डिजाइन कंपेयर कर लो, लो सर इसको टच कर लो, आप खुद ही टच कर लो एक बार। ओके, ये वही चीज है। 310 रुपए मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज दे रहे हो। 450 में बेच रहे हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप डबल शोल्डर भी नहीं दे रहे हो। ये समझा नहीं मेरे को, थोड़ा अलग लगा मेरे को, थोड़ा समझाओ ना मेरे को। आगे बढ़ते थोड़ा, मैं आपको असली का जो प्रीमियम दिखाते हैं ना 400 प्लस, हाँ। तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अपने सैंपल्स थोड़ा कंटिन्यू कर दे, फिर वो अपने प्रीमियम पे आएंगे। जी, वो जैसे ही प्रीमियम मेरा है ना जो सेगमेंट आएगा ना, फिर मैं दिखाता हूँ थोड़ा मार्केट को। हाँ। सर प्रीमियम कहते किसे है, खाली ब्रॉच लगाने को प्रीमियम नहीं कहा जाता। प्रीमियम चीजों में प्रीमियमनेस दिखनी चाहिए, उसमें फैब्रिक भी दिखना चाहिए, उसकी स्टिचिंग भी दिखनी चाहिए, उसका फर्मा भी दिखना चाहिए, और उसमें तुमको स्टैंडर्ड साइजेस जो SML XL डबल XL होती है वो भी देनी पड़ेगी कस्टमर्स को। ये 310 रुपए में अगर आप ये चीज दे रहे हो तो आप 450-500 रुपए में तो मतलब आ रहे हैं सर, उधर बूम पड़ा दोगे, मतलब खत्म नहीं होंगे सर। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सेगमेंट चालू करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस, मिनिमम कितना माल लेना पड़ता है? 108 पीस लेने कंपलसरी है सर। ठीक है, रेंजेस एंड कलर एंड साइज ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, अब देखो जो भी है ना 200 के नीचे की रेंज है उसमें कलर भी कंपलसरी है, साइजेस भी कंपलसरी। फिर से बताऊं, 159 नहीं बेच रहा हूं, 117 में बेच रहा हूं, इसीलिए कलर और साइज कंपलसरी रख रहा हूँ। अगर आपको उसमें भी कलर और साइज ऑप्शन चाहिए, मुझे 160 दे के जाओ, मैं दे दूंगा। अगर वही करना है तो आगे बढ़ेंगे सर। इधर ये देखिए, वही माल का रेट ज्यादा करके कलर ऑप्शन साइज ऑप्शन। हाँ, प्योर लिनन है मुनीर भाई, ये ना फैब्रिक 180 रुपए मीटर है, लिनन फैब्रिक है। थोड़ा नीचे आएंगे सर, एक बार इसको फील भी करेंगे ना तो भी आपको इसमें आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, ये अब मैं खुद वेयर कर सकता हूँ, उतना अच्छा आर्टिकल है। मैं सर ज्यादातर सच बताऊं तो शर्ट्स वगैरह, वैसे मैं शर्ट्स कम पहनता हूँ सर, क्यों झूठ बोलूं, पर अगर पहनता हूँ तो जेन्युइन पहनता हूँ। जेन्युइन, एग्जैक्टली, मैं खुद भी अपने कितने शर्ट्स जेन्युइन के मैंने खुद के लिए वेयर किए हैं, तो मतलब फर्मा रेट्स बहुत सुपर्ब है। मतलब मेन चीज ना सर, इसमें SB में दे देता हूँ, SML XL डबल XL। ओके जी, और साइजेस इसमें सारी आ जाती है। ओके, ये जेन्युइन के बारे में थोड़ा अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अपने जेन्युइन एक है ना प्रीमियम सेगमेंट है LMD का, ठीक है, पेरेंट ब्रांड वही है LMD, उसके अंदर हमने बनाई है, जो ज्यादा शोरूम्स में बिके वैसा कपड़ा होगा, बेसिक टेस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा कभी फंकी बना लेंगे, बाकी उसमें ना ज्यादातर डबल शोल्डर पे माल बनेगा। जैसे आप मुनीर भाई यहाँ है ना, कहीं भी देखो लेबल का इसमें आपको स्टिचिंग नहीं दिखेगा, ये आपको डबल शोल्डर इसमें दिख जाएगा। ओके, अपन डबल शोल्डर माल, डबल शोल्डर का माल पूरा बनेगा, मतलब एवरेज थोड़ी ज्यादा जाती है, मतलब ये जो सिंगल नीडल डबल शोल्डर बोलते हैं वो वाली चीज। जी सर, ये देखिए सर, एक बार इसकी फिनिशिंग पे गौर करें, इसकी स्क्रीन पे गौर करें और इसकी डिजाइनिंग पे गौर करें सर। ओके, ये अप्रोक्स क्या इंच का माल है? 400 से 420 के आसपास, उससे ऊपर नहीं। ये 400-420 में आप ये चीज दे दोगे? ये सर साटिन पे है चीज, ये देखिए, और उसके ऊपर क्रिएशंस, ये छोटा पॉकेट, एक उससे बड़ा, एक थोड़ा बड़ा, उसके ऊपर हमारी जेन्युइन की ब्रांडिंग आपको दिख जाती है इसमें। ये काफी अच्छा पीस है सर, प्रॉपर चीजें, अगर आपको 400 तक जाना है तो आपको 400 वाली चीजें बकायदा दिखानी पड़ेगी। ओके, मतलब वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए भाई, 420 जस्टिफाई करो ना, उस रेट को जस्टिफाई करो सर, सिर्फ कस्टमर को लूटना सर थोड़ी होता है। मतलब ठीक है, आपके पास कस्टमर भले रिपीट नहीं आ रहे, जहां तक मुझे पता है कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे आपके पास, क्योंकि आप लूट रहे हो, पर फर्स्ट टाइम तो लूट रहे ना यार, तो फर्स्ट टाइम भी मैं क्यों लूटने दो, क्योंकि इंडिया में सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें व्यापारी लोग बहुत ज्यादा है, नए नए आने वाले भी बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को भी वहां मैं क्यों जाने दूं जहां वो लूट रहे हैं सर। मतलब समझो अगर कोई 50 पीस भी लेता है, 100 रुपए का भी अगर ज्यादा दे के आता तो 5000 रुपए आराम से ज्यादा दे के आ रहा है सर। आगे चलो, बिक भी जाता है उससे, ठीक है, वो बेच भी देता है, पर सर ये ना रेगुलर नहीं चलती रेट्स, उसमें कमाने नहीं मिलेगा, वही बात है, कमा नहीं पाओगे। ये देखिए सर, जो हाई ब्रांड्स में जो चीज होती है वो अपने पास है, ये फैब्रिक आपको देखने मिलते हैं। इसमें मेरी गाज पट्टी पे भी आप गौर सकते हो, कितनी बड़ी बनाई है सर। ओके, मतलब अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हितेश भाई भी अपने साथ थे, आप कुछ बता रहे थे कुछ फैक्ट्री आपकी, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग पूरा कर रहे हो और बढ़ा भी दिया है, तो एक सजेशन, मेरे को नॉलेज चाहिए था। हाँ जी, चलो वीडियो तो बना ही रहे, बट नॉलेज के प्रीमियम
सेमनेस को जस्टिफाई कैसे होना चाहिए, डिफाइन कैसे, डिफरेंशिएशन कैसे होना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। पर एक बार ना ब्रोचेस दिखा देते सर, ये इसके पीछे आप जो दीवाने हो ना, हाँ, ये 4 रुपए का है सिर्फ, ये 4 रुपए का ब्रोच है, 4-4 रुपए का लगाया, 5 बार 10 रुपए बढ़ाए। अब मैं आपको बोलूं सर 400 वाली चीज का, आप मुझे 500 चाहिए था, आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना सर। वो तो जब तक मेरे को पता नहीं है, समझो कि मैं रिटेलर हूँ, मेरे को नहीं पता ये 4 रुपए का ब्रोच आता है, तब तक मेरे को मैं ले लूंगा। पर मेरे को पता चल गया कि LMD में इतना सस्ता मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों महंगा रेट दूं? सिर्फ मेरे पास, मैं बुला ही नहीं रहा हूँ कस्टमर्स को, मेरे पास तो मैं बस गिनी चुनी चीज है, मेरे पास 50-60 आर्टिकल्स है। मार्केट घूमो सर, 500 से 1000 आर्टिकल मिलेंगे आपको टोटल, और आप अगर इस रेंज में जा रहे हो तो एक बार अच्छी खासी खरीदी कर रहे हो तो चूज करके लो ना यार। हाँ। हर जगह चूज करके लो, जरूरी थोड़ी अपने को एक ही ब्रांड में जाना है। ब्रोचेस बहुत जगह पे मिलते हैं और साइजेस आपको जो चाहिए मिल जाती है, सर्विस भी उनसे अच्छी मिलती है, स्टाफ उनसे ज्यादा मिलता है। और काफी सालों से इधर आके कपड़े की लाइन में बैठे हुए सर, ऐसा वैसा नहीं है कि पहले एक धंधा कर लिया उसमें फेल हो जाओ, उसके बाद मास्क बेच लिया, उसके बाद सैनिटाइजर्स बेच लिए, उसके बाद शर्ट में घुस जाओ, फिर शर्ट में भी तुम्हारा काम नहीं होता है, फिर तुम एक मार्केट से दूसरी मार्केट में आओ, फिर उस मार्केट में घुस के तुमको पता चलता है हाँ लक्ष्मण भाई का धंधा चल रहा है। कैसे चल रहा है? लक्ष्मण भाई वीडियोज बनाते हैं, चलो हम भी वीडियोज बनाते, फिर भी तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा। यार अभी भी मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, लक्ष्मण भाई की 10 बुराइयां कर देता हूं। उससे क्या होगा कि किसी भी फेमस पर्सनालिटी को हम है ना थोड़ा उसके बारे में कुछ बोलेंगे, वो हमारे बारे में कुछ बोल देगा, और हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो लोगों का फोकस हमारी तरफ जाएगा, बे लोग पागल समझेंगे, मार्केट से आउट कर देंगे तुमको, लूटना बंद कर दो लोगों को, अच्छे खासे 20-30 रुपए नफे रखो, आराम से कमाओ, हमारी तरह अगर टिकना है तो मेरे पास आओ, एक घंटा बैठो, मेरे से चीजें सीखो, स्टिचिंग कैसे करी जाती हो सीखो, कारीगरी जो तुम 80 रुपए दे रहे हो ना, वो स्टिचिंग के जो तुम 450-500 में बेच रहे हो, बैक छोड़ो यार वो चीजें सर मार्केट में 50। वाह ये क्या पीस है सर, ये देखो इसमें साइजेस क्या बनाई है आपने? SML XL, XXL। ओके XXL, S भी दे रहे इसमें? S भी हम दे रहे हैं, साटिन लाइक्रा वाली चीज़ ये है। थोड़ा सा क्लब वेयर वाला टेस्ट आ गया थोड़ा बहुत। यस, बाकी बीच में सर सिलिकॉन का जो टच है ना, यस, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग मतलब ये चीजें अगर आपको चाहिए। हाँ। अब मैं आप जो पूछ रहे थे सवाल का, प्रीमियमनेस कैसे हम जस्टिफाई करें? हाँ। देखो सबसे पहले ना प्रीमियमनेस के लिए अपने पास ये फैब्रिक, एक बार इसको टच करो और एक बार वो 117 वाले को टच करो, आपको दिन रात का फर्क दिख जाएगा। ओके ठीक है, पहला हो गया फैब्रिक, ये सस्पेंस पट्टी, दूसरी हो गई उसकी शाइनिंग, उसके बाद आती है सर स्टिचिंग, थोड़ा करीब आए, स्टिचिंग देखिए प्रॉपर, और इसके साथ में बता दो 1 इंच में कम से कम 14 से 16 टाके लग रहे हैं, 14-16 टाके, हाँ 1 इंच में, मतलब इस हद तक की बारीकी सिलाई, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में 30-40 रुपए में हो, मतलब इसकी सिलाई आपको आराम से 70-80 रुपए में पड़ जाती है, ये हो गई सिलाई की बात। ऊपर से इसके कॉलर्स एक बार इसको टच करेंगे कितने ज्यादा हार्ड है, कुछ इसके अंदर लगाया आपने? हाँ, ये पूरा अंदर स्टिच भी किया है। हाँ। और उसके नीचे चिपकाया भी हुआ है, मतलब अब ये जो चीजें हो गई ना ये बहुत हैवी हो गई। काफी बार क्या होता है धुलने के बाद शर्ट कॉलर से ना ढीले हो जाते हैं, ये कॉलर्स कुछ नहीं होना है, ये है प्रीमियम चीजें, मफतलाल का कॉलर और कफ यूज हुआ है, उसके ऊपर सस्पेंस पट्टी थोड़ी लगा दी, थोड़ा बहुत लुक दे दिया, थोड़ा हल्का सा सिलिकॉन लगा दिया, कहीं एम्ब्रॉयडरी कर दी, बटन अच्छे यूज करे, सारी चीजें इंक्लूड करके ना एक प्रीमियम शर्ट बनता है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने कपड़ा तो महंगा ले लिया पर तुमने कुछ नहीं किया वो शर्ट के साथ, तुमने ब्रॉच लगा दिया, बोला 500 रुपए कस्टमर तो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा चीजें करना छोड़ अगर, दो अगर समझो कि कोई 500 वाला पीस रिटेलर लेके जा रहा है तो कम से कम वो 650-700-800 में बेचेगा, बेच सके वैसा बनाओ तो ज्यादा। हाँ, अभी समझो कि मैं भी एक एज अ एंड यूजर, अपन अगर 800 का पीस ले रहे तो अपने को सामने वैल्यू चाहिए। देखो सर 800 का पीस, मैं देखो ये सब चीजें मेरे दिमाग से इधर आउट जाती है, क्योंकि 800 में अगर आप ले रहे हो तो बेचना है आपको कम से कम 1500-1400, वरना आपका सेट में अगर एक भी पीस रह गया आपका मार्जिन खत्म, डबल करना जरूरी है। अब 1500 में अगर आप वो चीजें ले रहे हो तो आप ब्रांड में क्यों नहीं चले जा रहे हो 500-600 और बढ़ा के, तो ब्रांड्स मिल जा रही है अच्छी खासी ब्रांड्स में, 2-2500 तक तो सर अच्छी खासी शर्ट्स मिल जाती है। सबसे पहली बात स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, सिंगल निडल डबल शोल्डर, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, कॉलर एक्सेसरीज अच्छे होने चाहिए, कॉलर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, कफ्स अच्छे होने चाहिए, साइजिंग रेशियो अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए जो ब्रांड की होती है सर। मेन तो क्या है ना, कितनों को तो ब्रांड का फरमा ही नहीं पता, कुछ भी बनाए जा रहे हैं,
और कुछ भी बना बना के लोगों को कुछ भी पहना रहे और उसके 450-500 ले रहे। बस दो तीन चीजें रह गई है, महंगा कपड़ा खरीदो, उधार पे खरीदो, जॉब ज्यादा दो, कस्टमर का काटो। यही चार चीजें हैं। ये थियरी पे काम हो रहा है। पांचवी, ये लक्ष्मण भाई के बारे में बुरा बुरा बोल दो तो लक्ष्मण भाई कुछ ना कुछ हमारे लिए बोल देंगे और हम ऊपर आ जाए। भाई ऊपर नहीं आ पाओ, आप बोलते क्यों नहीं है, मैं तो वो देखता हूँ, आपको बोलना चाहिए। सर देखो, अगर मैं भी उनकी तरह यही चीजें करने लग गया ना तो मेरा धंधा डिस्टर्ब हो जाएगा। उनका क्या है, देखो वो फ्री बर्ड्स है, उनके पास कस्टमर दिन में एक दो चढ़ गए तो चढ़ गए, वरना कोई आता है नहीं। ऑनलाइन भी एक दो ऑर्डर मेरे पास ना डेली की एंट्री 40 से 50 लोगों की है मुनीर भाई। 10:30-11 तक मैं फ्री नहीं हो रहा हूँ, बिन सीजन की सीजन मेरे पास ऐसी चल रही है। 1:30-2 बजे घर जा रहे हैं, लड़के हमारे परेशान है सर। और अपने तो आज भी कितना लेट वीडियो बना रहे हैं सर, बहुत ही ज्यादा। 11 तो इधर ही बज गए, घर पहुंचने में सारा वीडियो खत्म हो के रील्स वील्स बन के मतलब समझ लो 1-2 वापस। तो यही चीज़ें चल रही है, यही चीज़ें जो पहले भी चल रही थी हमारे लिए। तो सर ये भी दिवाली है, दिवाली खुद दिवाली है, ठीक है, ईद भी दिवाली है, सब हमारे लिए सर दिवाली ही दिवाली है। सारी चीज़ें ऐसी हो गई अब क्योंकि सब में ना रश बहुत ज़्यादा रहता है मेरे पास। तो ये छोटे मोटे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पता नहीं मैन्युफैक्चरर्स हैं भी या नहीं है, नहीं भी कर रहे हैं, मतलब क्या बता सर, गॉड नोस क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड, क्या तुम कहाँ थे, कहाँ आए, क्यों आए, किसकी वजह से आए, क्या किया, किस रेंज में घुसे, क्यों घुसे, कब घुसे, कब 159 शुरू होता है, कब 425 हो जाता है, कब 350 होता है, कुछ समझ नहीं आता सर। ये कंफ्यूजन है सर, ये कंफ्यूजन है। वो सब कंफ्यूजन वाली जगह पे जाना ही नहीं अपने को। अच्छा मेरे को एक फर्स्ट फ्लोर पे आना है, 145 नंबर, कर्णावती प्लैटिनम K9 घी कांटा रोड अहमदाबाद। अच्छा अपने डिस्कस भी करते हैं, धंधे में बहुत क्लियर होता है, बहुत सिंपल चीज है, या तो यस होता है या तो हाँ अच्छा है या तो ना नहीं अच्छा है। जी सही बात, कंफ्यूजन कभी धंधे में नहीं होता, कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं ना। अब देखो अब कितनों को तो इस बात की भी जलन है कि मेरे पास ना सर 3,000-3,500 प्लस सैंपल्स हैं, ठीक है, मेरे पास 3,500 सैंपल्स हैं क्योंकि सर मैं उनको संभाल सकता हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उतना स्टॉक रख सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास 40-50 सैंपल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बाकी सारे इधर उधर से घूम फिर के सैंपल ले आ रहे हैं। सर अभी भी मेरी शॉप पे ज़रूर आइए, 309, 310, 311 कम से कम ना सर 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एक पूरा है ना बड़ा गोडाउन है। और मेरा एक है ना खाली सैंपल ऑफिस है ना, आपके जैसे छोटे छोटे ना 4 ऑफिस आ जाते हैं सर उसमें। चलो ये आपने बताया, आपने लेवल वाली बात छेड़ दी है, अपन रेंडमली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एक तो जो पीछे ब्लू वाला पीस है ना वो दिखाओ, आप बताइए कौन वो व्हाइट चेक्स के बाजू में, ये साइड राइट साइड, इस साइड चले, यस ये वाला उसके बाजू वाला, ये कौन सा लेवल में माल है? अरे सर कुछ भी उठा लो ना, लो ये ले लो, LMD का लेबल, LMD का टैग, उसके अलावा आपको जो चाहिए मुनीर भाई। हाँ रैंडमली, चलो वो कॉर्नर से कुछ दिखा दो, ये वाइट स्ट्राइप्स दिखा दो पहले। सर ये वाइट स्ट्रिप्स ये भी ले लेते हैं, चलो स्ट्रिप्स पे आए ही हैं तो उसके साथ ब्लैक वाइट भी ले लेते हैं सर, दोनों रखा देते हैं। ये देखिए ये भी LMD, ये ड्रिल फैब्रिक है। ओके और ये अगर दिखाई दिया तो बता दो सर इसके एक बार रेट्स आपको मैं बता दूंगा ना, 280 रुपए में ड्रिल दे रहा हूँ, डबल पॉकेट 280 रुपए में ड्रिल। सस्ते में चलते हैं, चलो सस्ते का भी ओपन कर दे, रैंडमली इधर से कोई सैंपल निकाल दो सस्ते में, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, चलो इसको पकड़ते हैं, तू बाहर आ जा भाई साहब। ये देखिए इसको ले आते हैं अपन, ठीक है सर, इसमें भी LMD है। ओके सर मैं तो मार्केट से ले, चलो प्रीमियम रेंजेस में चलते हैं, 500 प्लस, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 रेसो, फिर जेनमेन आ गया सर, फिर अपनी ब्रांड है, जेनमेन तो अपनी खुद की ब्रांड है, तो वही चीज है, फ्लैट नेट टी शर्टों पे चल दे, चलो उधर ही चले जाते, इस साइड आ जाए, चलो सर वापस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं, ये इधर ले लेते हैं, लो सर लो, ठीक है, चलो टी शर्ट में भी आपको LMD का लेबल, LMD का टैग। तो देखो सर वो एक और कहावत याद आती है मुझे, अध जल गगरी छलकत जाए, समझ रहे, आधी बुद्धि होना आधा नॉलेज होना आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। एक बार मार्केट से अगर मेरी चीज़ें पता कर रहे हो तो शायद वो समझ लेना कि वो चीज़ें आप तक पहुंचाई ही मैंने है, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी हैं। तो वो चीज़ें समझ के ऐसा मत बोलना कि सर आप तो 1000 लोगों के सैंपल रखते हो, भाई साहब 1000 लोगों का स्टॉक ना अकेला LMD संभालता है, इतना स्टॉक इतने सैंपल्स पूरी मार्केट में हमारे अलावा कोई नहीं संभाल रहा है।
ठीक है। तो ये चीजें लाइव कस्टमर्स आके भी देख सकते हैं। और बात आती है सर कुछ अलग आने पे, तो कस्टमर्स ना इतना तो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि जो सिलेक्ट करेंगे वही आएगा। अगर कुछ अलग आ भी रहा है तो उनसे पूछ के आ रहा है, और अगर उनको चाहिए कोई नया इंसान है मेरे साथ मेरे गोडाउन पे चल के खुद पैकिंग कराओ, जब तक पट्टी ना लगे वहां से हिलना मत। क्या बात है, जबरदस्त फुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। बाकी एक बार मिनिमम ऑर्डर 108 पीस का है जी सर। साइज अपने पास एस से लेकर डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल तक है, 7XL तक है। जींस भी है, बॉटम वेयर में कार्गोस, फॉर्मल्स, फॉर्मल शर्ट्स, किड्स वेयर सब कुछ मिल जाएगा, A to Z। बाकी सर जो नए व्यूवर्स है अपने जो पहली बार देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे शॉप विजिट के लिए? नए व्यूवर्स देखो, एड्रेस आपको मिल चुका है 145 नंबर। अब जिनके नई शॉप्स है, ठीक है, नई शॉप वालों के लिए ना सर मेरी शॉप एक खजाने से कम नहीं है। अब लोगों को साइड रख के अपनी ही सर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे सैंपल्स तो मैंने कवर कर लिए सर। मैं बता दूँ, हम 7 से 8 साल पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चर तुम यहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि हो गई हुडीज़। तो हुडीज़ अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, तो हुडीज़ हमको बाय डिफॉल्ट जहाँ बनती है लुधियाना में वहीं से मंगवानी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर को अच्छे रेट जाएगा। हाँ, अब दूसरी चीज़ बता दूँ, वही चीज़ अगर आप लुधियाना से भी लोगे तब भी वही रेट मिलेगा, और वही चीज़ अगर मुझसे भी लोगे तब भी वही रेट मिलेगा, क्योंकि मैंने वहां से क्वांटिटी उठाई है 2 से 3 हज़ार पीस। आपको लेने हैं सर 3 से 4 बॉक्सेस। तो अगर किसी चीज़ में मैं ट्रेडिंग कर भी रहा हूं ना, तो वो मैन्युफैक्चरर जो रेट में आपको दे रहा है ना वही रेट में मैं भी प्रोवाइड करूंगा सर। मतलब इतना क्लैरिटी है, ट्रेडिंग अगर कर भी रहे तो क्यों कर रहे हैं? अगर लुधियाना से अगर कोई रिटेलर जाएगा 100 पीस लेने तो उनको वो रेट नहीं मिलेगा, पड़ेगा सर महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, GST महंगा पड़ जाएगा, काफी चीजें ऐसी दिक्कत करेंगी जो वो वहां जाना आना मेन तो टाइम कितना बिगड़ता है। मेरे से तो जुड़े हुए हो, मंगा लिया समझो वहां 340 में, मैं वो चीज 350 में दे रहा हूँ, ठीक है 10 रुपए का भी डिफरेंस है, फिर भी आपको वो सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत बचता है, माल जल्दी पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट कम लगता है, मेरे पास डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स बहुत मिल जाते हैं। ओके, बाकी तो यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक बार ऑफिस दिखाना चाहूंगा कि 3 से 4 हज़ार पीस का एनी टाइम यहाँ पर स्टॉक रहता है। लक्ष्मण भाई ने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये वीडियो 3 से 4 बार देख लेना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं भटकोगे नहीं। बाकी सर इतनी जबरदस्त वैरायटीज कवर करने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसी वैरायटीज लाते रहे सर, थैंक यू।